क्या चीज की आवाज आ रही है? नहीं अगे माँ, मेरी मुर्गी गिर गई नीचे। अजी जल्दी आ जी, जल्दी आ जा ऊपर, कैसे बचाऊ तेरे को। इतनी मुंह करके हो रही है 500 रुपए की, कैसे बचाऊ तेरे को। अजी जल्दी आओ ना जी। हाँ कैसी हो रही? तो देखो मेरे 500 रुपए गए मेरे। ऐसे ऐसे क्या नाच रही? उधर नाच रहा तो घर के अंदर। 500 रुपए गए, देखो जी मुर्गी गिर गई नीचे। अजी निकालो ना जी, कूदो ना जी। ओह नो, पागल जैसे हो रही है। कूदो तो जल्दी तो निकालो 500 रुपए। वो क्या तक निकालेगी? अब उसको निकाल, देखो ना चडुम चडुम हो रही है नीचे। तूने कहा फेंकी वहाँ? मैं कहा के लिए फेंकूंगी, मेरे को झलवा ला रहा है, जो मैं फेंकूंगी क्या? ओह नो, मेरी 500 रुपए की मुर्गी कौन के रखने था ना? तो बांगो, तू दिमाग खराब मत कर मेरा यार। बचाओ ना। अरे ऐसी ऐसी काजे घोड़ी जैसी लगती है। बचाओ ना मेरी मुर्गी। जा कूद वहां, जाने को तेरी मुर्गी है तो जा जा। हां हमारी जान मत करो, हमारी जान जाने ही नहीं है। बड़े अच्छे जरा कितनी 500 रुपए का सैंडल ले आऊंगी घर के। अरे हो गया, तू रोए मत भाई। नहीं हो गया ना यार, अब गई तो गई, नहीं थी अपने किस्मत में। बाल्टी लाके वो निकाल मेरे को। रुको बांगो, कहीं की पूरी उसाड़ी से मुर्गी के लिए वहां मेरे को कूदो कहती है ना? तैरते नहीं आता ना कुछ आदमी। ये लो जल्दी जाओ। अरे तो इसमें रास्ता का हो तो क्या होता है, निकालो ना। अरे पर ओह नो, ये ऐसा कैसे निकाल लूंगा भला? रास्ता वाली बाल्टी लाना, फलपुरी ढेंगोई है यार ये भी। अरे तू डूबना क्या तक ढूक रही है वहां से? मरना ही है तेरा भाई, तू चले जा अंदर। नहीं मिली रास्ता वाली बाल्टी, ये लो साड़ी पकड़ के कूद जाओ नीचे। तेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे को ये बता? वो देखो चडुम चडुम होने लगी, पूरी डूब जाएगी, जल्दी जा बचा लेंगे। पर कैसे कैसे उतर जाऊंगा? इस साली को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे चल जाओ, ऐसे साली दोनों दोनों निपट जाएंगे भरी जवानी में। ताकत है मेरे को, तो तैरते आता नहीं ना कुछ नहीं आदमी को। भगवान से बचपन में तालाब गया था नहाने, तो मनमानी ठोकाई दिया बुड्ढे ने मेरे को तालाब में। नांग धोता है अब कैसे कर लू तेरे को? अरे तू जान, अरे पर साली तू भांगो छे क्या? सत्यानाश कर दी दिमाग को, कूदते भी नहीं हो। तो मुर्गी गई 500 रुपए की, तुम्हारा भी 500 रुपए खत्म हो जाए वहां। नहीं तो सैंडल दिमाग है क्या? कभी पूरा सत्यानाश सैंडल भी नहीं पहन सकती मैं। पर तेरे को कैसे समझाऊं? कहता मेरे को तैर के आता तो मैं कूदता नहीं वहां क्या? पागल जैसे बात करती। तुमको कुछ नहीं, सत्यानाश रारा रांड करने वाले हो तुम। अच्छा हो गया कि मुर्गी कूदी है, एक हाथ कूद जाता तो शांत रहे, जिंदगी रहेगी तो ढेर मुर्गी ले लेंगे और ढेर पाल लेंगे और ढेर सैंडल ले लेना। उसके जैसी तो नहीं आएगी, पूरे 500 की बिकती, पूरे 500 की। अरे बाकी बच्चे हैं ना, उन्हीं से दिल बहला लेना ना तू। नहीं बहलता ना जी मेरा दिल, अब क्या बताऊं। तो मैं क्या अक्षय कुमार हूँ, खतरों का खिलाड़ी बन जाऊं क्या? पानी के अंदर ऐसे टुब टुब होने लगी, उसको बचा तक नहीं सकी। अरे तो दिया जब बुझता है तो बाद में वो भपकता है, वैसी छोड़ रही थी वो। अरे दिया की बात नहीं, मुर्गी की बात है जी। अरे तू दिमाग खराब मत कर यार, कल से ऐसे ही दिमाग खराब है मेरा। ओह नो, अब तुमको क्या हो गया? मेरी तो मुर्गी गई, तुम्हारी क्या चल गई? मेरा तो बाप ही गया। बाप गया? अरे कहाँ गया वो ही तो नहीं मालूम है। तेरी मुर्गी तो गिरी मालूम भी है, कुएं में गिरी गई। शायद वो यहाँ रहते तो मुर्गी भी कुआं में नहीं गिरती। हाँ ऐसा ऐसा खड़ा हो जाता वहाँ। ऐसे तो बुड्ढा हो गए, कूद भी जाते कुआं में तो बचा तो लेते, कम से कम निपटते तो निपटते। मेरी मुर्गी तो बच जाती, मुर्गी निकल जाती, वही डूब जाता वहाँ। डूबने को कुछ नहीं होता, मेरे 500 रुपए तो बच जाते। अरे यार तू ये खत्म कर, मुर्गी की बता रहा। ऐसे वाले सैंडल लेऊंगी कह रही थी। अरे मैं ले दूंगा ना, तू चुपचाप तो रहे। वो यहाँ आदमी का टेंशन खत्म नहीं हो रहा है साला। उसको फोन लगा, उसको लगा, पूरे रिश्तेदारी सबको छान मार लिया आदमी ने। फोन फोन से कहीं आता पता नहीं लग रहा है, कहाँ गया है ना क्या न? तेरे को बताया है क्या? अरे कुछ बोलेगी? अरे साली फिर वो मुर्गी। ओह नो, गए तो गए। पानी लाओ, पानी। थोड़ा सा खराश खराश सा हो रहा है। अरे वो मुर्गी की छोड़ यार तू अभी पिंकी, मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरा दिमाग खराब हुआ तो? अरे ला लेंगे दूसरी ना, ले लेंगे ना वो। अक्कल नहीं है बाबूजी को, पहली बात सुनो, करोना गाना सब खत्म। अक्कल नहीं है बाबूजी को, जो इधर उधर भागते हैं। हाँ इधर उधर फोन लगाएंगे, पूछेंगे कहाँ है, कैसे हैं, ये फलाना है ढेकाना, बस यही काम करते दिन जाएंगे जी अपने। पर मेरी मुर्गी चले गई। अरे फिर मुर्गी? अरे उसका पता तो लगा दे पहले। आओ ना तो लगाओ ना सबको फोन। अरे लगा लगा, मामा घर लगाओ, मामी घर लगाओ, इसके घर लगाओ, उसके घर लगाओ, दुनिया की दंड फंस घर लगाओ, बस बाप का है तुमको, लेकिन मेरी मुर्गी का नहीं। अरे साली मुर्गी।
अब तेरे को मुर्गी नहीं बोल रहा हूँ ना, तो और उसके लिए मत रोने बैठ जाना। बोल ले ना, ये काम के तो सब लोग बोलने वाले, और ढूंढो ना तुम्हारे बाबूजी को, कहीं नहीं पटन पुट गए तो और सर में। oh, no. क्या बोल तू की बात मत कर, उल्टी सीधी तू बता रहा हूँ। काली ऐसी तो काली जुबान है तेरी, भारी काली जुबान है। तुम काले, तुम्हारी काली जुबान, मैं जरा सी गोरी हूँ, अच्छा जुबान है मेरा, अच्छे से बोल लो। देख मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। अरे तो मैं कौन सी मजाक के मूड में हूँ जी, मैं तुमसे कब कब मजाक करती हूँ, लेकिन मेरी मुर्गी तो रात्रि साली मुझे, अब उसको कहूँ क्या तेरे को कहूँ। लगाओ लगाओ फोन, लगाओ पूछो कहाँ है। फोन बच गया है, देख ले। और एक अरे गया कहाँ है अपने आगे बांगा, वो भी आके उसको पूछना रे, गांव में किसी को मालूम होगा तो कहेंगे, तो वो भी जिधर गया उधर है टिल्ली डंडा खेलता। तो ऐसा कौन सा कुत्ता पांव धर के जाते है, नहीं धीरे धीरे पांव धर के जो लोग उनको नहीं दिखते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। अरे तो किसी के बता के जाए, तू कहाँ था रे बांगा, काहे का हल्ला कर रहे हो, आस पड़ोस वाले सुन रहे हैं कितनी सत्यानाश हो रे बकरा, ये क्या रखा है, देख रास्त्री खाता है जी। क्यों बे? रास्त्री नहीं खाता का, ये ना फटा हुआ है ना, तो इसके बीच में गेप है, ज्यादा ही बन गया है इसलिए। अबे तो और कोई दूसरे खड्डे खड्डी नहीं मिले तेरे को? नहीं रास्त्री मिल गई थी रास्ते में। भगवान देखो ऐसे दिन आ गए, उठा उठा के लगा रहे हैं बटन में, तेरे हाथ पर सड़ गए, जरा सा सिल नहीं देती है खादू बटन वहाँ पे। मेरे को बहुत गम है जी अभी जी। अरे तो काई के लिए चिल्ला रहे यार? अबे वो मुर्गी गिर गई कुएं में, तो ये मुर्गी चिल्ला रही है। कौन सी? अबे तेरी भाभी बे। भाभी तुम ज्यादा मत बताओ जी, बार बार ऐसे मुर्गी उर्गी मत बोलो मेरे को। और वो छोड़, पता लगा क्या रे कहीं? क्या बुढ़े का? तो बाबू तो कहीं गया है क्या? कहाँ गए? कहीं तो गया है, किसको मालूम है बे। कल से आदमी परेशान हो रहा है, सुबह नहाया धोया और जे निकला है तो पता ही नहीं है, आज साला श्याम होने लगी। कोई दौर ठिकाना नहीं है भैया, सब अलग अलग घूमते, सबका अलग अलग चलता है, बस मेरा। हाँ सोनिया को पता होगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। हाँ, बाबू और उसकी बहुत, यहाँ घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, मेरे को नहीं मालूम तो उसको मालूम होगा। अरे तो अच्छी पटती है ना, दोस्त भाई जैसे रहते वो दोनों। रदर रद लिया अभी बीच में तो। हाँ वो लिए मगर अच्छे से रहते दोनों, पता है? तेरे को गांव में किसी ने कुछ बताया कि नहीं? हाँ, बताया वो कहीं किसी से मिलने गया कहते, किसी को देखने गया कहते। अच्छा सुनने में आ रहा है। अरे तो बताना चाहिए यार, फोन भी नहीं लग रहा है उसको। बता वाला फोन लगाता हूँ। अबे नहीं लग रहा है, कल से लगा रहा हूँ मैं। नंबर लिख, बाबू का नया नंबर आया है। तू यहाँ नई नई कहानी मत बताया मेरे को। अरे लिखना का, अभी नया नंबर आया, पूछते ले। कब ले लिया? अरे अभी लिया, उठा के दिया हूँ आइडिया किसी में। बता 96 17। एक बार रुक, 96 17 16। मेरी मुर्गी को। अरे रुक तो अभी, मुर्गी मुर्गी। हाँ 96 17 16, लास्ट में 4 गोला। oh, no! ये कैसा नंबर है बे? अरे ये ऐसे ही नंबर है, लगा के तो देख, VIP वाला है। होगा 96 17 16, 4 बार गोला। हाँ 4 बार गोला, 2 3 4। लगा देख, उठाया ना बाबू ने। बे अभी तो घंटी च नहीं गई बे। नहीं गई क्या? कवरेज के बाहर का इतना यार। अरे कवरेज के बाहर है बे। अरे चेत के बाहर है। हाँ हाँ तो वो जंगल में गया होगा घूमने। अबे जंगल काय को जाएगा जबरदस्ती? हाँ तो वही तो नेटवर्क नहीं रहता का। अरे आप सब जाके रहता है। तुम डेंग डेंग करोगे, घूमने घूमने कर रही हूँ, ढूंढने के लिए जाओगे उधर? अरे तो जबरदस्ती कहाँ चले जाऊंगा यार, कहीं भी तो देखो, जा जाके आस पड़ोस में। आपको तो फोन लगा डाला मैंने, हो सकता किसी की खोली खाली में घुस गए होंगे। तो खोली में कहा घुसेगा वो? अजी बैठने के लिए। अरे तो कल से बैठे भाई की ऐसे पर्सनल बात होती है। पता चला था कि कोई आने वाला है। कहाँ बे? बालाघाट साइड। हमको नहीं मालूम रे भैया कौन आने वाला है। अरे यार मेरे को लग रहा है बाबू ने ऐसे ही कुछ बोल रहा था मेरे सामने। अरे पर बालाघाट कैसे कैसे चले जाएगा ये आदमी यार, ये पैदल जा सकता है? सही में यार मेरा, पर मेरी मुर्गी जी। अरे तेरी मुर्गी तो गई ना कुएं में। ये बेटा बाबू मेरे को बता के जाता तो वैसे भी नहीं करा। अच्छा देखता हूँ, आने दे। अरे तू बैठ तो रे, काय के लिए शर्ट चढ़ाता है रे? क्लास लेता हूँ अभी। हाँ अरे तू ऐसा गाय गाय मत रो, खाली वो साड़ी सी मुर्गी के लिए ऐसी रो रही है जैसे साला घर से किसी की मैयत निकल गई होगी। साड़ी पर ही मत बोलो, समझ रहे हो ना, उसी को काट के खाते हो फिर। yes! समझ रहे हो? मैंने खाता ऐसे लेग पीस बना बना के खाओगे, छुपराओगे ज्यादा। इतनी सी तो थी नहीं, ऐसे हो गई थी 500 रुपए लाइक की। काटो जी, मत करोगे राम। एक नंबर बताता हूँ मैं अभी। काटो जी, एक नंबर थी क्या? इधर मेरे तरफ तू कहाँ देख रहे हो? उधर सुन रहे बाबू, कैसा कर रहा है?
अरे निकाल दो मेरी 500 रुपए की मुर्गी। मर गई। कहाँ गया था का? मैं कहाँ गया? अरे ऐसी कई पैदा कर लेगा। वाला आदमी पूरा परेशान हो गया गांव। अरे पैदा कर लेगा भैया। अपना रिश्तेदारी सब। क्या पहलता है? ये भैया तो पूछ ऐसी कई पैदा कर लेंगे अपन मुर्गी है कि नहीं का? अरे पांगा बता मुर्गी पैदा करेगा। तू पहले बता कहाँ गया था तू? अरे मैं जहाँ गया था क्या बताऊँ। अरे तुम कहीं गए थे पहले? उसको तो निकाल लो बाबूजी। अरे तू छोड़ ना वहाँ पे बहू। इसको नहीं आया हमारे घर तो कब से नहीं आया, कोई बात भी नहीं हुई। ये सुन तो ये गया होगा नाना, अभी गर्मी चल रही है ना तो बम ठंड पानी में ना आया होगा ना। क्या बांगा कहीं तक कोई कुछ बता रहा है कि कुछ बता? लब 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 होंगे। ओह नो, तू तो बोल रहा बड़ा अच्छा गया था पहले कहीं का। कुछ अभी से समझा रहा हूँ ना, बीच में लब लब लब। अबे और ये उर्गी मुर्गी बिल्कुल होना नहीं घर पे, बता रहा हूँ। आज के बाद कोई मांस मटन नहीं खाएगा घर पे, बस मैं खाऊंगा है ना। ओह नो, पैसा करना मुर्गी फार्म में ले जाके रख देंगे तेरे को। मंच पर रह जाना वहाँ, ऐसा माचिस रख लेना, भूंजते जाना और वैसे खाते जाना। अरे क्या जनता क्या जनता क्या जनता। बिल्कुल नहाने के लिए को? Oh no! लब लब बोलेगा बेटा। तो नहाने सुनना बे। पाँ। कोई ज्ञान की बात बता रहे बेटे? टीवी में भी वो किसी डिस्को में जाए वो कौन कौन से गाने सुनते रहते वो। मेरी मुर्गी तो निकालो जी। साथी अपने पैर पे लग जाता मेरे। मुर्गी? अरे आज की मुर्गी मत जाट। अरे तुम कहाँ गए थे बाबूजी? Oh no! मैं गया था, वो बाबा जी आए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जय बागेश्वर महाराज। जय बागेश्वर महाराज। जय वो महाराज की। साधु जी राधे राधे। राधे 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 धाम। होएगा जी कोई कोई बाबा होएगा जी। कोई कोई बाबा वहाँ पे सास बहू की सीरियल देखते रहोगे वहाँ पे। बागेश्वर महाराज जी का वो आता है क्यों नहीं देखते? अरे वो एक दिन मैंने भी देखा था टीवी में। हम बाबू और मैं दोनों देखते हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं चल जाऊंगा। वो बता कानू भाऊ के यहाँ का नाटी। अच्छा क्या नाम उसका, वो क्या बना है वो अभी? पांक अध्यक्ष क्या कहते? अरे वो भी अध्यक्ष है वो युवा मोर्चा का। अंशुल अंशुल वो आ गया है बड़ी गाड़ी लेके, सुने? अच्छा चार पांच लड़के और थे वो कुशवा जी के यहाँ का, जिट्टू कुशवा कौन आर्यन चौधरी और रजनीश और योजित और कार क्या क्या नाम थे, एसी वाली गाड़ी में लेके गए वहाँ पे वीवीआईपी टिकट। और वो महाराज जी के ऐसे करीब से दर्शन किया, सुने मैंने? बाबू को मिला होगा वीआईपी टिकट। मेरे बारे में कुछ बोला होगा उसने पक्के में। ओह नो, तेरे बारे में काहे के लिए कुछ बोलेगा का? भैया कोने लाया काहे के? वहाँ पे बटे अच्छे अच्छे मंत्री संतरी की नहीं चल रही थी वहाँ पे? तेरे को पूछता हूँ। दूर से मुलाकात किया होगा? दूर से नहीं, ऐसा 3 फीट दूर से देखा मैंने, बाबा जी ने ऐसे देख के ऐसा भी किया। तूने नापा? अरे इधर से बोल दो बाबू जी मेरी मुर्गी आ जाए कुआं से बाबा जी को। बाबा जी ने बोले मांस मदिरा सनातनी रहना है, मांस मदिरा का सेवन बंद करो। हाँ तो नहीं खाती मैं, उसको बेच दूंगी 500 रुपये में। अरे तू 500 रुपये मेरे से लेना, फालतू की बात लेना तो जल्दी दे। अरे यार 500 रुपया वो मुर्गी को देखूंगी भी नहीं, दे पहले। अरे बेटा चोर खींचे में रखा था वहाँ पे, खर्चा लगेगा लेकिन सबरा खर्चा उन्होंने करवाया। अब मुर्गी बोल रही, बोलना मत। ओह नो, 250 मेरे 500 रुपये में सैंडल लगी, अभी देखना ऊंची वाली। वहाँ पे अर्जी जब लगने लगी, पहले लोग फर्जी कह रहे थे लेकिन जब मैंने अपनी अपने कानों से सुना आंखों से देखा, यह बड़ी बड़ी टीवी लगी थी वहाँ। अच्छा इससे भी बड़ी बड़ी अर्जी वहाँ क्या? अरे अर्जी मैं देख लिया वहाँ पे, अर्जी लगना चालू हो गई डीवी दरबार कहते। मैं बता रहा हूँ पहले फर्जी कह रहे थे फिर अर्जी। सुनो तो बाबू, वैसा नहीं है। अरे मेरे को तो बोलने दो, रुक तो जाओ। जब बड़े बोल रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ए तू छोटा है तू मत बोलना, मेरी पोल खुल जाएगी कह के अर्जी नहीं लगाया। मेरा पैर डुकरा था करके और मेरे को भूख भी लग गई थी। कम कर्म कांड किया है क्या इसने अपने? बताऊं मैं तेरे को अभी जाती वहाँ पे वो मेरे को वो
जिट्टू कुशवा कहने लगा, बोलने लगा काकल चल अपन भाट खा के आएंगे। मैंने कहा चल, छह गिलास शरबत पिए टन। कभी बाप राजे पिए तो पिए, प्रसाद था बिल्कुल जितना मिला उतना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मन तृप्त होना चाहिए। भला हमारे लिए क्या लाया है वहाँ से? गले तक देव प्रसाद, देव प्रसाद। तो मैं वहाँ पे प्रसाद ऐसी भटोले रहती वहाँ पे, भटोले रहती वहाँ पे प्रसाद भटोला भंडारा भंडारा तो रहा होगा। हाँ भंडारा था, इतना इतना झमाझम खाना मिला। पटरी पर भात, दाल और टमाटर की चटनी, आनंद आ गया जी खाने में। अच्छा, लेकिन जरा सा यहाँ आनंद आ रहा है हमको ढूंढने में, कहाँ गया कहाँ गया। वो सब छोड़ो, अपन लोग जाएंगे बागेश्वर धाम। हाँ हाँ बाबू जी, मैं तो तैयार हूँ। बाबा जी ने कहा है सबकी अर्जी लगेगी, सबकी मुरादें पूरी होगी। और हट मेरी नहीं लगवाना है। सुने सुनो तो जी, दो चार बच्चे एक साथ पैदा कर देंगे। ओह नो, हम भी नहीं आती बिल्कुल। चल बे, कैसी कैसी बात कर रहे बहू। मैं ना थोड़ा भावुक हो गई हूँ जी। दो चार आठ दिन बाद जाएंगे मालूम बागेश्वर धाम। हाँ ठीक है बाबू जी, मैं तैयार जाऊंगी। तो चल चल रहे, वहाँ अर्जी खुल जाएगी मेरी तो लफड़ा हो जाएगा। सुनिए